दर्दनाक सड़क हादसे में 7 की मौत, 5 गंभीर घायल। अम्बाला चंडीगढ़ हाईवे पर आज एक बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में 2 टवेरा गाड़ियों में सवार 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग पूरी तरह से घायल हो गए, जिनमें से 4 घायलों को पीजीआर चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है, जबकि एक महिला का इलाज अम्बाला शहर के सिविल अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि 2 टवेरा गाड़ियों में कुल 21 लोग सफर कर रहे थे और सभी चंडीगढ़ से मथुरा वृंदावन की ओर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में गाड़ी खराब होने की वजह से वे हादसे का शिकार हो गए। ऐसे तो मुझे कुछ याद नहीं, 2 गाड़ियां थी हमारी, हमारी गाड़ी का इंजन में जो मोबिल ऑयल होता है वो लीक हो रहा था, तो हमने साइड में गाड़ी लगा के वो कह रहे थे पाइप लीक हो रहा है, वो तो दूसरी गाड़ी आगे चली गई थी उसको वापस बुलाया, वो बैक पीछे खड़ी हुई है, तो दोनों चेक कर रहे थे, तो उन्हें थोड़ा टाइम लगा था, इतने में सबको नींद आ गई। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। जैसे किसी गाड़ी ने, कोई बस थी, उसने हिट किया, क्योंकि मेरी बड़ी गुड़िया बता रही है उसको थोड़ा पता है, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे तो तब होश आया, बस कुछ लोग चिल्ला रहे थे भी हेल्प करो निकालो इन्हें, भी ये ठीक है इनकी हेल्प करो, तो किसी ने निकाल के मुझे एम्बुलेंस में लेटाया। सभी एक ही परिवार के लोग थे। एक्चुअली जी हमारा फ्रेंड सर्कल था, फ्रेंड्स इकट्ठी होके ना, जैसे खेतर मंडली को थी और कुछ हमारे कंप्यूटर सेंटर को थी, तो हम जा रहे थे इकट्ठे होके। कितने लोग थे? 9 एक गाड़ी में थे, 9 एक गाड़ी में, 2 गाड़ियां। इस संबंधी बातचीत करते हुए सिविल अस्पताल के डॉक्टर सनी भट्टी और अम्बाला के एसपी आस्था मोदी ने बताया। कैजुअलिटी सर 6 दिनों की है, जो एज पर रिकॉर्ड हमारे पास इस वक्त मोर्चरी में है और पोस्टमार्टम पेंडिंग है, कुछ शायद कैंट भी हैं और कुछ यहाँ से 2 रेफर भी हुए हैं और एक पेशेंट अभी भी हमारे पास दाखिल है जो कि स्टेबल है इस वक्त। ये बेसिकली 2 टावेरा कार्स थी जो इकट्ठे मूव करी थी चंडीगढ़ से, इसमें 2 फैमिलीज के लोग थे, एक में 10 लोग और एक में 11 लोग इंक्लूडिंग द ड्राइवर्स ये मूव कर रहे थे। तो जैसे एक गाड़ी में कुछ पेट्रोल लीक होने लगा, तो दूसरी गाड़ी वाले ने, ड्राइवर ने उसको बोला कि पेट्रोल लीक हो रहा है, तो उन्होंने साइड में गाड़ियां खड़ी करके वो चेक कर रहे थे कि क्या कॉज है लीक का। तो इतने में पीछे से कोई हैवी व्हीकल आया है जिसने पहले एक गाड़ी को और फिर दूसरी गाड़ी को हिट किया है, एक कार को थोड़ा डिस्टेंस तक वो ड्रैग करके लेके गए हैं। तो इसमें 7 कैजुअलिटीज हुई हैं, 2 तो ड्राइवर्स हैं और 3 लेडीज हैं और 3 माइनर्स हैं, एक 5 साल का बच्चा, एक 8 साल का और एक 17 साल का। तो ये कैजुअलिटीज हैं, बाकी इसमें 5 इंजर्ड हैं लेकिन वो अभी सब स्टेबल कंडीशन में है, पीजीआई में भी रेफर्ड है, वो पीजीआई सेक्टर 32 में रेफर्ड है चंडीगढ़ में, और एक पेशेंट यहाँ पे है, बट ये 5 बिल्कुल स्टेबल हैं और हमें आशा है कि ये फुल रिकवरी करेंगे।